स्कूल एक ऐसी भैरन जगह जहाँ विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु रहते। कौन भाई? स्टूडेंट्स, तू स्टूडेंट है, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारे दो स्टूडेंट है, तुम्हारा बाप स्टूडेंट है, नहीं बाप नहीं, लेकिन बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट है। उन नमूनों को मैं आज एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। क्लास का सबसे पुराना स्टूडेंट। तो बच्चों बताओ, अंग्रेज भारत कब आए थे? मैम 1757। ए, तेरे को कैसे पता रे? मैं भी उन्हीं के साथ आया था, तभी से इसी क्लास में हूँ। नाम? पांडुरंग साइमन वॉकर। हर रोज लेट आने वाला स्टूडेंट। इतना लेट क्यों आया? सर ट्रैफिक था सर, सर बस पंक्चर हो गई थी सर, सर बैलगाड़ी पंक्चर हो गई थी सर, सर गटर में गिर गया था सर, सर गटर मेरे पे गिर गया था सर, सर एवेंजर्स का कॉल आया था सर, सर वो थैनोस ने रोक लिया था सर, सर वो शक्तिमान ने गोल गोल घुमाया चक्कर आ गया था सर। होमवर्क नहीं करने वाले स्टूडेंट। होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? मैम मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हाँ तो होमवर्क हॉस्टल में कैसे हो सकता है? अच्छा तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? हाँ मैं इसी का रूम पार्टनर हूँ। अच्छा और तुम तो अपने घर में ही रहते हो ना, कहाँ है तुम्हारा होमवर्क? मैम मैं घर में ही रहता हूँ लेकिन कल घर पे नहीं था। तो कहाँ गए थे? मैम मुझे कोई कुछ लोगों के साथ प्लेन में बिठा कर ले गया, फिर हमें एक वीरान से आइलैंड पर छोड़ दिया गया। जैसे ही मैं नीचे पहुँचा मुझे एक बंदूक मिली, मैंने उस बंदूक से सारे दुश्मनों को मार डाला और उस आइलैंड को बचा लिया। वाह मजनू, बहुत बहादुरी वाला काम किया है तूने। अरे ये कल दिन भर फ्री फायर खेल रहा था। ये फ्री फायर क्या है? ये मोबाइल गेम है, हर कोई खेल रहा है आजकल। क्या झूठ बोलता है मेरे से? हाँ नहीं मैडम नहीं। निकल निकल बाहर। वो गद्दार स्टूडेंट। ए तुम लोगों ने टेस्ट की पढ़ाई की? नहीं भाई तुमने? नहीं यार, कोई चमत्कार हो जाए और मैडम टेस्ट भूल जाए। तो बच्चों आज हम सीखेंगे चैप्टर 5। लेकिन मैडम आज तो आप टेस्ट लेने वाली थी ना? ये बिगा है टॉपर, अब टॉपर में कुछ नहीं बचा। सवाल पूछने वाला स्टूडेंट। हेलो बच्चों आज हम सीखेंगे। मैम मुझे एक डाउट है। अरे शुरू तो करने दे, कुछ लिखा है क्या मैंने ब्लैक बोर्ड पे? मैम मुझे वही डाउट है कि आपने क्यों कुछ नहीं लिखा। हाँ तो वो क्या तारीख लिखी है ना? मैम मुझे उसमें भी डाउट है कि आपने तारीख ही क्यों लिखी। अरे मुझे ये सब लिखना पड़ता है, टीचर हूँ मैं तुम्हारी। मैम मुझे उसमें भी डाउट है, क्या प्रूफ है कि आप हमारे टीचर है? वो पड़ोस वाली क्लास की भी हो सकती हो। टाइम टेबल देखा है मैंने, नाम है मेरा उसपे। मैम मुझे टाइम टेबल पे भी डाउट है। वो तो प्रिंसिपल ने बनाया है। मैम मुझे प्रिंसिपल और आप दोनों पे डाउट है। क्या? रुक तू चल प्रिंसिपल के पास। नहीं मैम हो गए, सारे डाउट क्लियर हो गए। जब लड़का फेल होता है। बंटी तू इस बार भी फेल हो गया। सर बहुत हार्ड था सर। शट अप। जब हॉट लड़की फेल हो जाती है। टीना तू फेल हो गई। पता नहीं सर कैसे हुआ। टीना तू पास हो गई। कभी नहीं आने वाला स्टूडेंट। वो आज भी नहीं आया। पादने वाला स्टूडेंट। एग्जाम में धोखा देने वाला स्टूडेंट। नंबर 8 बोलना, नंबर 8। तुझे ऐसा छबीला मान ला जिसका कोई फ्यूचर नहीं वो स्टूडेंट। मुझे इसमें से कुछ नहीं आता। हट बैंचो, अपुन बनेगा पॉर्न स्टार। एग्जाम में इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला स्टूडेंट। ए मजनू दिखाना, थोड़ा सा दिखाना यार, हम बचपन से दोस्त है यार। तू भूल गया अपुन एक डिब्बे में खाना खाते थे। तू भूल गया हॉस्टल में हम एक कच्चा दोनों मिलके बारी बारी पहनते थे। तू भूल गया मुझे दूर का दिखता नहीं फिर भी फ्री फायर में मैंने 4x वाला स्कोप तुझे दिया था। तू भूल गया तुझे लड़की पसंद नहीं थी, लड़का मैंने पटाके दिया था। तू भूल गया तेरे गोटियों का ऑपरेशन हुआ था। कंट्रोल भाई कंट्रोल, दिखा रहा हूँ ना मैं। और लास्ट में क्लास का वो टपोरी स्टूडेंट। मैडम ये मेरे को मार रहा है। काय रे काय तोंडे, मार खाएगा, चल प्रिंसिपल के पास। गणेश काय तोंडे में, वो भी अपुन का कुछ नहीं उकार सकता क्योंकि अपुन उसके भी ऊपर है। शट अप, चल बाहर जा क्लास के, निकल। अपुन अश्वत्थामा है मैडम, जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा अपुन इधर ही रहेगा। 25 दिन में एग्जाम है, तुझे तो जरूर फेल करूंगी मैं। सब फेल हो जाएंगे मैडम, बस ये त्रिवेदी बचेगा टॉपर साला। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया है और आपकी स्कूल की यादें ताजा हो चुकी है तो इस वीडियो को अपने हर एक स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ लाइक ठोक दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आपको बता दूं कि मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जहां पे मैं गैरिना फ्री फायर गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं। अगर आप भी ये गेम खेलना चाहते हो तो डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।